हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बताएंगे सैमसंग वन यूआई 3.0 के न्यू फीचर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एंड्रॉयड 11 के साथ ये अपडेट मिलेगा और किन किन डिवाइस को मिलेगा और किन किन डिवाइस में कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे देखने को, वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड 11 ऑन सैमसंग गैलेक्सी फोन्स हैंड ऑन विद द ऑल न्यू वन यूआई 3.0 फीचर्स। तो इसके डिटेल में बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं, इंटरफेस देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इंटरफेस है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, फ़ोन तो नहीं है, पर मैं स्क्रीनशॉट के जरिए आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें फीचर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन का देख सकते हैं इंटरफेस चेंज कर दिया जाएगा इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया अपडेट है, ये देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, फ़ोटो के साथ सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद बात करें नए अपडेट के बारे, दूसरे अपडेट की, तो इसमें लिखा है न्यू अलर्ट एंड बबल सपोर्ट। तो बबल सपोर्ट इसमें देखने को मिल सकता है। देखिए बबल्स का सारा बबल स्क्रीन देख सकते हैं आप, यहाँ पे बबल सपोर्ट मिल चुका है इस डिवाइस के अंदर। बहुत ही सही फीचर्स है इसके अंदर। और नेक्स्ट फीचर देख सकते हैं फास्ट एक्सेस टू विगेट। तो किसी भी ऐप को टैप करने के बाद उसमें ईजी एक्सेस कर सकते हो फास्ट और विद शॉर्टकट। यहाँ पर लिखा हुआ है टैप, मैंने टैप करा था, मतलब यहाँ पे टैप करा, वो देख सकते हैं यहाँ पे एक फीचर आसानी से कर सकते हैं ऑन। उसके बाद देख सकते हैं नए फीचर्स की बात करें तो इसके बाद ऑलवेज ऑन ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन ट्विक्स। तो जब भी कोई मैसेज आए तो ऑलवेज स्क्रीन ऑन हो जाए। तो इसके लिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है शो ऑन ऑलवेज ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। तो यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे तो इसके बाद ये फीचर इनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद लिखा हुआ है डिब्यूट सैमसंग फ्री। सो ये नया फीचर्स में देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं डिब्यूट का फीचर्स में देखने को मिल जाएगा आपको इसके अंदर सपोर्ट के साथ। हाई ह्यूज वॉल्यूम कंट्रोल, तो यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम के बटन प्रेस करते ही चार तरह के वॉल्यूम खुल जाएंगे। इसके ऊपर वीडियो बन जाएगी, अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट करके। ये फीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे सम थिंग्स आर मिसिंग, पावर मेन्यू का बटन वैसे का वैसे ही रहेगा और कुछ वैसे ही नहीं रहेगा। उसके बाद ये मिस कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं, इसका कंट्रोल सेंटर में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर वीडियो फुल चाहिए तो वीडियो बता देना, वीडियो बन जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।